हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गौरी मिस्र डिज़ाइनर। सो आज की इस वीडियो में हम इस टाइप की स्कर्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे, कटिंग देखेंगे कि मैं आपको पूरा वीडियो इसमें शेयर करूँगी कि आपको किस तरह से इस तरह की डिज़ाइनर स्कर्ट की कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर इस तरह का लेयर दिया हुआ है, नीचे फ्लेयर है और ऊपर फिटिंग फिश कट तक फिटिंग है, 10 इंच तक ऊपर तक फिटिंग है फिश कट स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने लहंगा इस तरह ड्रॉ कर लिया पेपर में। फुल लेंथ हमें चाहिए रहेगी 40 इंच यहाँ तक की, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर यहाँ तक की हमें ऊपर वाली लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, तो मैं यहाँ 28 इंच ऊपर वाली लेयर की लेंथ ले लेती हूँ। तो नीचे बचेगा 12 इंच, राइट, टोटल 40 इंच का है। तो ऊपर वाला हमने 28 इंच का ले लिया और ये जो ऊपर बचा है फिटिंग, मतलब ऊपर से फिटिंग तक का हमें चाहिए, वो मैं यहाँ पे 9 इंच तक रख देती हूँ। आप अपने बॉडी पर माप सकते हो कि आपकी फ़िटिंग का कितना चाहिए और आप कितना रख सकते हो। तो यहाँ मैंने 9 इंच रख लिया कि मुझे 9 इंच तक फिटिंग चाहिए। तो फुल लेंथ हो गई 40, यहाँ तक की लेंथ हो गई 28 इंच और फिटिंग तक की लेंथ हो गई 9 इंच। क्लियर हमें कौन सी लेंथ कितनी रखनी है। और सारे जगह से हम राउंड भी माप लेंगे, वेस्ट राउंड चाहिए, हिप राउंड चाहिए और थाइस का राउंड, यानी कि जहाँ तक हमने फिटिंग वाली लेंथ रखी है। तो आप देख सकते हो फुल लेंथ हमने ली और जहाँ तक हमें फर्स्ट लेयर जो सबसे बड़ी थी वहाँ तक की 28 इंच लेंथ लेनी है और ये फिटिंग तक की लेंथ लेनी है 9 इंच। तो इस तरह से मैंने पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। अब हमें सारे मेजरमेंट्स पता चल गए कि कौन सा किस तरह से कट करना है। तो सबसे पहले हम स्कर्ट का बेस रेडी करेंगे। इसमें ऊपर वाली लेयर हम बाद में बनाएंगे, जो ऊपर आपको लेयर दिख रही है पेपर में वो हम बाद में ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले हमें नीचे वाली लेयर ड्राफ्ट करनी है। तो नीचे वाली लेयर में हम कुछ इस तरह ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। फोल्डिंग पेपर ले लेना है हमें सिंपल, और सिंगल फोल्ड ही करना है, यहाँ पर 4 फोल्ड नहीं करना है हमें, सिंगल फोल्ड रखना है। इस तरह से हम सिंगल फोल्ड कर लेंगे, पहले फ्रंट का कटिंग करेंगे और फिर बैक का। तो अंदर वाली लेयर का हमें क्या करना है, इस तरह हमें फिटिंग तक जहाँ तक का पार्ट चाहिए 9 इंच तक का, वो वाला पहले कटिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर फिश कट चाहिए। तो ऊपर का बेसिक स्कर्ट, पेंसिल स्कर्ट जिसे बोलते हैं, उतना हम 9 इंच तक का कट करेंगे स्टिचिंग का एक्स्ट्रा ऐड करके। तो यहाँ पे स्टिचिंग के साथ हमें 9+1 इंच लेना है। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ करूँगी पेपर पे कटिंग बताते वक्त। आप सेम इसी तरह फैब्रिक पे कट करके रेडी करोगे तो अब बिल्कुल परफेक्ट स्कर्ट का लुक आएगा, जैसा सेम पिक्चर में आपने देखा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने स्कर्ट की लेंथ मार्क कर, मतलब स्कर्ट की फ़िटिंग तक की लेंथ, ऊपर वाली फिश कट वाली लेंथ मार्क कर दी, जो मुझे रखनी है 9 इंच। तो मैंने 9+1 इंच एक्स्ट्रा, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख देना है। ए से बी हो गई 10 इंच और अभी हम हाफ पार्ट बना रहे हैं फोल्डिंग करके। और ये हमारी हो गई वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे हम वेस्ट डिवाइड बाय 4+2 इंच पर हम मार्क कर देंगे 1 इंच स्टिचिंग और 1 इंच डार्ट्स का, क्योंकि फ्रंट में डार्ट आएगा, ये फिटिंग है इसीलिए। और हमारा हिप्स का शेप होता है, अगर ज़्यादा शेप नहीं है तो फिर आप स्ट्रेट वाला कर सकते हो विदाउट डार्ट। फिर हम यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे और इस तरह शेप दे देंगे। अभी ये 9 इंच है मेरा, कमर मेरी 28 है, इसलिए 28 डिवाइड बाय 4+2 इंच। फिर यहाँ से हम हिप लेंथ मार्क कर देंगे। हिप लेंथ नॉर्मली सब में 7 इंच होती है, तो ये हिप लेंथ वाली लाइन हो गई है हिप लाइन। तो हिप लाइन पे हम मार्क करेंगे हिप डिवाइड बाय 4+2 इंच स्टिचिंग और लूजिंग के साथ। तो हिप मेरा 34 है, तो 34 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5+2 इंच 10.5। फिर हमें यहाँ का मेजर कर लेना है हमें कितना चाहिए। नॉर्मली हम स्ट्रेट डाउन कर सकते हैं, स्ट्रेट डाउन करेंगे तो सही रहेगा। और अगर फिटिंग चाहिए तो यहाँ का पूरा मेजर करके भी हम ले सकते हैं। हमें इस तरह मैच कर देना है। ये फ्रंट का हो गया। अब बैक के लिए हम वापस इसे रखेंगे। अब बैक में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमें इलास्टिक चाहिए बैक में, तो इलास्टिक के लिए हम यहाँ से 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे।
तब 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा टोटल इलास्टिक का, 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से। इस तरह मतलब फ्रंट में नहीं रहेगा, बैक में है ना? हाँ, इलास्टिक बैक में, उसमें लेन स्ट्रेट था। फिर हम यहाँ से मैच, यहाँ तक मैच कर लेंगे इसे। तो ये बैक होगा और बैक में यहाँ से स्ट्रेट जाएगा। फ्रंट में हमने कर्व लिया था बट बैक में स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि बैक में हिप होता है तो बैक लंबा रहेगा थोड़ा, और फ्रंट में लेवल से नीचे हम पहनते हैं इसीलिए। तो बैक हम स्ट्रेट रखेंगे और आगे का कर्व शूट। ये फ्रंट और बैक हमारा बेस का हो गया, जिसमें हम यहाँ पे 4 इंच अंदर डैट डालेंगे, 4 इंच लॉन्ग। अब हम नीचे वाली लेयर के लिए फुल सर्कुलर कट कर सकते हैं। ज़्यादा फ्लेयर चाहिए और हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक है, तो नहीं तो हम हाफ अम्ब्रेला ही काटेंगे। अभी मेरे पास ज़्यादा पेपर नहीं है इसलिए मैं हाफ अम्ब्रेला ही काटती हूँ। हमें ये लाइन मेजर कर लेनी है पहले कि कितनी है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे। अगर हाफ सर्कुलर बना रहे हैं तो 3.5 मीटर जितना चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जितनी है प्लस 8 to 9 inches या 10 to 12 inch, ज़्यादा वेस्ट ज़्यादा है तो। फिर हम इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे 2 मीटर फैब्रिक को, और यहाँ से यहाँ पे हम हमारी ये जो वेस्ट लाइन है वो मेजर करेंगे कितनी है। मान लीजिए साइड स्टिचिंग करने के बाद ये एक साइड की साइड स्टिच हो जाएगी और एक साइड से ओपन रहेगा इलास्टिक और वो जिप ये सब के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, 21 इंच। तो 21 × 2 करना है 42, यानी कि हमारी ये जो था, ये जो शेप है मैंने यहाँ 42 लिया है। 42 यहाँ पे ज़्यादा होगा अगर पतलों का बना रहे हैं। अगर हमें यहाँ, क्योंकि थोड़ा लूज ही रखते हैं हम बैठने के लिए, इसलिए हमने यहाँ ज़्यादा लिया। अगर फिट चाहिए तो मान लीजिए अगर वेस्ट 28 हो तो यहाँ 36 भी इनफ हो जाता है, बट मैंने यहाँ लूज़ लिया इसलिए यहाँ पे 42 आया। हमें भी इस तरह लूज़ ही ले लेना है। अभी हम 42 को 3.14 से डिवाइड करेंगे अगर हाफ सर्कुलर है तो। फुल सर्कुलर है तो 6.28 से डिवाइड करेंगे। 42 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 इंच जितना। तो यहाँ 14 इंच लेंगे, 13.5 जितना ले लेते हैं। फिर हमें ये लाइन एक बार माप लेनी है। ये लाइन हमारी इसके बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये डबल फोल्डेड पेपर है। अभी 22 बराबर ही आ रहा है, 21 जितना सही है, परफेक्ट। अभी हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे जितनी हमें नीचे वाली लेंथ करनी है। नीचे वाली लेंथ हमें 40 − 9 इंच करना है। 40 माइनस ऊपर वाली लेंथ को हम माइनस कर देंगे फुल लेंथ में से, तो 40 − 9 31 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 31 पे मार्क करेंगे। या मेरा 31 नहीं आया तो ये पेपर ये तो हम 27 ले लेते हैं। फिर यहाँ तक हमने लेंथ की मार्किंग कर दी। अब हम इस पॉइंट पे इंच टेप रखेंगे और जहाँ तक लेंथ की मार्किंग करेंगे वहाँ पे देखेंगे कितना इंच हो रहा है। 40 इंच हो रहा है यहाँ, तो मैं 40 40 पे मार्क कर दूँगी। और ये जो बाकी साइड जो कम पड़ रहा है वहाँ पे हम जॉइंट डाल सकते हैं। कभी भी हमें यहाँ से लेंथ मार्क नहीं करनी, इसी कॉर्नर से लेंथ मार्क करेंगे।
पहले मतलब ये फ्रंट और बैक में पहले ये नीचे वाला पार्ट लगेगा, फिर ये ऊपर वाला लगेगा ना। हाँ, नीचे वाला पार्ट हम फुल सर्किल में भी काट सकते हैं क्योंकि पिक में तो ज़्यादा फ्लेयर है, लेकिन यहाँ मेरे पास पेपर भी नहीं है, पेपर में अगर मैं फुल सर्किल में बताऊँगी भी तो पेपर पे कुछ पता नहीं चलेगा, ज़्यादा फ्लेयर हो जाएगा इसलिए मैंने हाफ सर्किल काट दिया। अब यहाँ के जॉइंट के लिए मैं दूसरा कोई पेपर ले लेती हूँ, जो हम जॉइंट इस तरह से काट सकते हैं। यहाँ पे डबल फोल्ड रखना, फैब्रिक में तो इसमें जॉइंट आने भी नहीं वाला क्योंकि ये लेंथ शॉर्ट हो गई। अगर फुल ऊपर से लेंथ रखता है 40 तो फिर जॉइंट आता है। यहाँ पे 1 इंच ओवरलैप करके रखेंगे जॉइंट के लिए और फिर यहाँ पे इस तरह मैच कर देंगे ऊपर से रखते जी। हमारा बेस हो गया इसका। अब हम देखेंगे कि ऊपर वाली हमें किस तरह कट करनी है, जो ऊपर वाली लेयर है वो। नीचे वाले ब्रेस रेडी होने के बाद हम ऊपर वाला कट करेंगे, तो ऊपर वाले में पिक में कैसा दिख रहा है पहले हम वो देखते हैं। पिक में यहाँ पे 3 कली जैसा आया हुआ है, तो ये कली के हेल्प से जो हमारी यहाँ पे गैदरिंग दिख रही है वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रंट का बताती हूँ, इसमें हमें फुल लेंथ रखनी है 40 इंच है तो 40 इंच रखेंगे। मैंने यहाँ कितनी इंच लेंथ रखी है मेरी बेस की उस हिसाब से मैं रख देती हूँ। यहाँ पे हमें इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की रखनी है, यहाँ तक की लेंथ डिसाइड हुई थी 28 इंच, यहाँ से यहाँ तक हमें 28 इंच रखना है क्योंकि फुल लेंथ 40 है और ये वाला सिर्फ जो नीचे का पार्ट दिख रहा है वो 1/4 दिख रहा है, चौथा भाग। तो 10 इंच हम 12 इंच माइनस कर देंगे और बाकी जो 32 है उसको लेंथ ऊपर रख देंगे, तो हमारा 12 इंच नीचे का जो लहंगा हमने कट किया वो शो हो जाएगा। तो 12 इंच ऊपर हम कट कर लेते हैं, सॉरी 32 इंच 12 इंच ऊपर लहंगे से हम कट करेंगे, तो हमें 32 इंच लेंथ का ऊपर का पार्ट कट करना होगा 3 कली वाला और प्लस हमें फ्लेयर भी रखना होगा। तो यहाँ पे हमें दूसरा फैब्रिक ले लेना बचा हुआ और डबल फोल्ड करके रखना है और लेंथ वाइज हम सारा रखेंगे, आड़ा तिरछा हम नहीं कट करेंगे। यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे, यहाँ पे मेरी मुझे चाहिए 32 इंच, तो मैं 32 इंच पर मार्क करूँगी, ये डबल फोल्डेड है। अब हम सेंटर वाली कली यहाँ पे मार्क करेंगे, तो सेंटर वाली कली के लिए यहाँ पे पहले हमें देखना होगा कि हमने वेस्ट कितनी ली थी। वेस्ट आगे की हमने 14 ली थी, यानी कि 28 डिवाइड बाय 2, 28 का आधा 14 प्लस हमने 2 इंच 4 इंच स्टिचिंग और डार्ट्स का 1 1 इंच साइड स्टिचिंग और 1 1 इंच डार्ट्स का लिया था, यानी कि टोटल 4। हाफ पार्ट हमने किया उसमें 2 इंच प्लस किया था, बट अब टोटल 4 इंच प्लस हो गया, तो टोटल ये कितनी लाइन हो गई 18 इंच की। तो अब हमें 3 कली का बनाना है, यानी कि हम पहले हम 18 से 4 को 4 से डिवाइड करना है 18 को, तो 4.5 इंच आएगा। तो 4.5 इंच को हम यहाँ रखेंगे इस तरह और स्टिचिंग का लेंगे 1/2 इंच, ज़्यादा नहीं लेना नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से 4.5 इंच ले ली सिंपल, हमें ये जो देखना है ये जो हमने ऊपर का पार्ट फ्रंट का कट किया उसकी जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पर रख देना है और स्टिचिंग का एक्स्ट्रा ले लेना है 1 इंच, क्योंकि इसमें कली ज्वाइंट नहीं होगी बट इसमें कलियाँ ज्वाइंट होगी। अब 9 इंच तक फिटिंग रखना है ये, तो 9 इंच पे फिटिंग का मार्क करेंगे। देखिए हमने डिसाइड किया है कि 9 इंच तक फिट रहेगा, तो ऊपर वाला पार्ट भी यहाँ पे 9 इंच तक फिट है फिश कट जैसा। तो अब हम यहाँ से वेस्ट का मार्क कर लिया,
तीन कली के हिसाब से। अब हम यहाँ से हिप लाइन बना लेंगे 7 इंच पे। ये हो गई हिप लाइन और ये वाली हो गई फिटिंग वाली लाइन। अब हिप लाइन पे मार्क करेंगे हमारा ये जो पोर्शन है हिप का रखा था उसको 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1/2 इंच स्टिचिंग का। सिक्स इंच मुझे रखना है यहाँ पे। यहाँ से इस तरह मैच करेंगे। फिर हम यहाँ पे फिटिंग वाला जो हमने ये लिया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से सेम ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। पहले हम एक कली काट लेते हैं उसके बाद हम साइड वाली काटेंगे। यहाँ पे हम साइड के लिए ये पूरा जितना फ्लेयर आ रहा है उसका आधा रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा ये जितना आ रहा है उतना ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्लेयर दिख रहा है ऊपर वाले में। नेक्स्ट वाली कली दूसरे फैब्रिक में कट करेंगे। जैसे इस तरह काट लेंगे। अब अगर यहाँ पे फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो हम हमारी कली ऐसे भी काट सकते हैं दूसरी वाली। बट अब दूसरा पेपर ले लेते हैं। साइड का पोर्शन बाकी है कट करना। अगेन हम डबल फोल्ड करके फैब्रिक ले लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। और हम इसमें इस वाली कली में यहाँ से भी फ्लेयर लेंगे तो हमें 5 से 6 इंच जितना फैब्रिक में एडजस्ट हो रहा है ज़्यादा एडजस्ट हो रहा है तो हम ज़्यादा ले लेंगे फ्लेयर। और सेंटर वाली कली में हमें शेप नहीं देना है। सेंटर वाली में हम